जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो पारो आनंद, आज हमारे पास जो राइटिंग है पारो आनंद। और अगर आप थोड़ा बहुत वैसे जानते हो अगर पारो आनंद, एक तो ये जानना जरूरी नहीं है, सबसे बेहतर जानना ये कि 800 मीटर लॉन्गेस्ट न्यूज़पेपर इन्होंने जो है वो लिखा है, तो सबसे वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। एक अवार्ड नहीं, मल्टीपल अवार्ड्स इन्हें मिल रखे हैं, ना जाने कितने अवार्ड्स। उसके लिए स्पेशल मैंने स्लाइड ऐड कर रखी, क्योंकि इस तरह के जो राइटर होते हैं उनको, उनके लिए तो ऐड करना ही होता है। उसके बाद कई सारे बच्चों को इन्होंने सपोर्ट किया है, चिल्ड्रन बुक राइटिंग की जो है इन्हें हेड भी रखा गया है कई बार। उसके बाद राजीव गांधी जैसे अवार्ड और इसके, और उनके साथ साथ जो APJ अब्दुल कलाम और भी ना जाने कितने अवार्ड्स, अगर अवार्ड्स गिनने की बारी आ जाए तो आई थिंक जो है वो कम पड़ जाए। पारो आनंद इतने ब्यूटीफुल फीमेल राइटर हैं हमारे पास, जिनका जो वर्क हमारे पास आज सिलेबस में है वो है दैट नो गन्स एट माय सन्स फ्यूनरल। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये जो हेडिंग है, ये जो हमारे इसमें एक जो कैरेक्टर है, जैसे हम कहानी की तरफ मूव होंगे तो ये जो कहानी में जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर की जो मदर है वो ये लाइन बोलेगी एंड में फ्यूनरल पे। इतना देख के आपको पता ही चल गया होगा इस तरह की राइटिंग जो होते हैं काफ़ी, इसमें डेथ सीन वगैरह हैं, और क्योंकि काफ़ी नेगेटिव वे से राइटिंग लिखी गई है, टेररिज्म के ऊपर बेस्ड राइटिंग है और फैनेटिक माइंड दिखा रखा है। फैनेटिक क्या होते हैं, जैसे नॉर्मली किसी रिलीजन को लेके या कोई पॉलिटिकल सिनेरियो को लेके जो दिमाग के अंदर एक चीज़ हावी हो जाती है उसी से ये टेररिज्म का जो है जन्म होता है। तो टेररिज्म जैसे कंसेप्ट के ऊपर जो कि एक रियलिस्टिक ग्राउंड पे सेट किया गया है, बेशक ये फिक्शस इन सेंस कैरेक्टर वे में मूव करवाया गया पर एक रियलिस्टिक राइटिंग है, और बहुत ही खूबसूरत वे से इन्होंने दिखाया किस तरह से यूथ जो है गलत लाइन पे चले जाते हैं, और टेररिज्म जैसे कंसेप्ट में किस तरह से टेररिस्ट जो है वो यूथ का ज़्यादा यूज़ करते हैं और नौजवानों का यूज़ करके फिर उन्हें एक बार यूज़ करके थ्रो कर देते हैं, और उनका काम क्या है, कुछ नहीं है, ये नेशनलिस्टिक जैसे एजेंडा को फैनेटिक वे में मूव करवाना और नेशनलिस्टिक जैसे एजेंडा को फैनेटिज्म में जो है वो सेट करना और स्लॉट डाउन करना। इस तरह के बेहतरीन आइडिया और एक रियलिस्टिक ग्राउंड पे जो डिज़ाइन वर्क है दैट नो गन्स एट माय सन्स फ्यूनरल, ये राइटिंग है एक तरह से एलिजी है, बिल्कुल सही एलिजिकल राइटिंग है कि जो डेथ सिनेरियो को दिखाता है इसमें, डेथ है इसमें, बट ये सब जो सीन होता है फॉर द पोइम बेस्ट होता है, तो आप समझ सकते हो क्योंकि ये नॉवल है और नॉवल की जो राइटिंग है, और नॉवल हमें पता है एक दो रियल जो पेजेस है उसके ऊपर कनेक्टेड होते हैं, यानी रियल लाइफ इंसिडेंट को पेजेस पे जो है वो स्क्रिबल किया जाता है, उसके बाद वो जो फाइनली एक जो रूप लेते हैं वो एक सोशल रिफ्लेक्शन होता है, और उसी तरह से ये जो राइटिंग है नो गन्स एट माय सन्स फ्यूनरल एक बहुत ही बेहतरीन और पॉलिटिकल सिनेरियो को सेट करती हुई एक्सलेंट मास्टरपीस है। चलो अब देखते हैं पहले राइटर के बारे में, फिर उसके बाद आगे मूव करेंगे हम कहानी पे। यहाँ से हम ऑथर के बारे में देखिए ऑथर को, और ऊपर से फीमेल ऑथर है तो एक सच में रिस्पेक्ट जनरेट होता है, तो हम देखते हैं पहले ऑथर के बारे में। अब यहाँ पे देखो वर्क आपके पास है, पारो आनंद इज द ऑथर ऑफ 18 बुक्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड द यंग एडल्ट्स, प्लेस लिखती हैं, शॉर्ट स्टोरीज, नोवेला एंड द नोवेल, शी इज पब्लिश इन सेवरल एंथोलॉजी, इन्होंने पब्लिश की एंथोलॉजी मीन्स द कलेक्शन ऑफ वर्क, और उसके बाद चिल्ड्रन लिटरेचर इन द कंट्री को इन्होंने एक नेक्स्ट फेज और नेक्स्ट लेवल पे मूव किया है। शी हेडेड द नेशनल सेंटर फॉर द चिल्ड्रंस लिटरेचर, इनकी हेड रह रखी है, द नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो कि एपेक्स बॉडी है चिल्ड्रंस लिटरेचर के ऊपर, बच्चों की जो बेसिकली लिटरेचर होती है उनको पूरे उसके ऊपर नेशनल बुक ट्रस्ट की भी हेड है, रह चुकी थी। एज अ पार्ट ऑफ द वर्क द शी ऑल्सो सेटअप कई सारी लाइब्रेरीज और रीडर्स क्लब इन्होंने रूरल इंडिया में रखा, तो एक लिटरेसी प्रोग्राम से भी ये कनेक्टेड थी। शी इज़ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फॉर हेल्पिंग ओवर 3000 चिल्ड्रन को इनकी इन्होंने हेल्प किया इन द फील्ड टू लिट द लैम्प्स ऑफ लिटरेरी। उसके बाद मेक द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट न्यूज़पेपर इन्होंने बनाया 850 मीटर लॉन्ग, जिसको 11 स्टेट में 13 भाषाओं में अलग अलग निकाला गया। पारो आनंद हैज़ बिन अवॉर्डेड फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ द चिल्ड्रंस लिटरेचर बाय द रशियन सेंटर फॉर द साइंस एंड कल्चर से भी अवॉर्डेड है। डॉक्टर कलाम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ने भी इन ऑनर किया 2007 रिपब्लिक डे पे। शी वॉज रिप्रेजेंटेड द कंट्री एट द वेरियस फोरम, हर अलग अलग फील्ड में इंटरनेशनल लेवल तक भी इन्होंने इंडिया को प्रेजेंट किया है। याद नहीं करना है पर हाँ थोड़ा बहुत रहना चाहिए ताकि आप जब इस तरह की राइटिंग को लिखो तो हल्का फुल्का आप डाल सकते हो। शी इज अ परफॉर्मिंग स्टोरी टेलर, और उसके बाद कई सारे स्टोरीज इन्होंने अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया उस पर बेस करा, लिटरेरी एक्शन भी इन्होंने कई सारे लिखे हैं। शी हैज़ बीन द रिसोर्स पर्सन ऑफ द राजीव गांधी फाउंडेशन वर्किंग विद द चिल्ड्रन इम्पैक्टेड बाय द टेररिज्म, तो ये इंपॉर्टेंट है ठीक है, जो बच्चे जो टेररिज्म के अंडर आ जाते हैं
और उनको सही रास्ते पे लाना, और कुछ ऐसा ही वर्क है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट नो है ना सिंपल जो नो गन सेट माय सन्स फ्यूनरल, ये भी वही राइटिंग है, सेम वही इसका मॉरल थॉट भी निकल के आता है। द सेपरेटिस्ट वायलेंस इन द कश्मीर, बिल्कुल सही, कश्मीर में जो वायलेंस होता है और किस तरह से वहाँ के बच्चों को एक अलग ट्रैक पे जो है वो मूव करवा दिया जाता है, किस चीज़ पे फैनेटिक बना दिया जाता है उन्हें, ठीक है, रिलीजन को लेके, लैंड को लेके, नेशनलिज्म जैसे कंसेप्ट को लेके, इस तरह से, जो कि इन्होंने इस एक्सपीरियंस को बहुत अच्छी तरह से जो है बहुत अच्छी तरह से मैं कहता हूँ लिखा है, दैट नो गन सेट माय सन्स फ्यूनरल, जो इस साल जो हम पढ़ने वाले हैं अभी और इस साल आपके सिलेबस में है। उसके बाद इन्होंने इनकी बुक जो है IBBY के लिए ऑनर लिस्ट में भी जा चुकी है, कई सारे स्पेनिश वगैरह इसमें। द बुक इज़ अबाउट ए यंग बॉय सीड्यूस इन बिकमिंग ए टेररिस्ट, किस तरह से बच्चे को टेररिस्ट के रास्ते पे घुमा दिया जाता है, ये वो राइटिंग है, और इसके लिए तो और बेहतरीन राइटिंग आपके सिलेबस में जो है वो है ही। देखो समरी की पहली स्लाइड आपको मिलने वाली हो, बहुत ही नॉर्मल स्लाइड होगी, मैं उसमें कहानी बिल्कुल अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा, उसके बाद फिर आपको एक और समरी मिलेगी, वो समरी नहीं एक तरह के एनालिसिस है, डीप एनालिसिस है, फिर उसके बाद दोबारा आपको एक समरी मिलेगी जो आप आंसर राइटिंग में लिख के आ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे हमें शॉर्ट समरी में लिखना है, ऐसा नहीं कि पूरी कहानी पेल रहे हो आप, और उसके बाद जो एंड में है उसके काफ़ी क्वेश्चंस जो उससे कनेक्टेड है वो मिलने वाले। तो अब फटाफट देखते हैं, ये जो स्लाइड दिख रही है यही भाई इसी स्लाइड में ही पूरी कहानी है, जान के हैरानी होगी पर हाँ फिर भी एक स्लाइड में पूरी कहानी को कवर करने वाले, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है। सबसे पहले पूरे सीन को सेट किया गया है बारामुल्ला, ठीक है, बारामुल्ला सेट किया गया, तो हम कश्मीर के रिगार्डिंग स्टडी करने वाले हैं, तो यानी स्टेट इज़ द कश्मीर और बारामुल्ला जगह है, वहाँ पे जो हमारे पास कैरेक्टर है जो मेन प्रोटैगनिस्ट है इसमें, जो कि टेररिज्म के अंडर आ जाएगा और आतंकवादी बन जाएगा एक तरह से, वो क्या है आफ्ताब। अब आफ्ताब एक स्कूल गोइंग बॉय है, स्कूल जाने वाला बच्चा, आफ्ताब की जो यंगर ब्रदर है यानी इसका जो छोटा भाई है वो इस पूरे कहानी में उसका नाम आमिर है, और इसकी बड़ी बहन का नाम क्या है साजिया, ठीक है, तो साजिया बड़ी बहन है और आमिर छोटा भाई है आफ्ताब का। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है, जैसे हम देखते हैं कि आफ्ताब, देखो एक तो ये कहानी जो है फ्लैशबैक में मूव होती है, स्टार्टिंग में दिखा दी जाती है डेड बॉडी, जैसे आफ्ताब, अक्रम, इन सब की डेड बॉडी पहले दिखा दी जाती है और फिर कहानी फ्लैशबैक पे चलती है। तो आफ्ताब की तरफ हम जाते हैं, आफ्ताब जो है वो दो चीज़ कर रहा है, सबसे पहले वो स्कूल भी जाता है, उसके साथ साथ वो एक सीक्रेट ग्रुप से कनेक्टेड है। ये जो सीक्रेट ग्रुप है इसमें और भी बच्चे हैं, और ये जो सीक्रेट ग्रुप है ये इन मासूम बच्चों को पकड़ती है और उन्हें बताती है कि किस तरह से कश्मीर को आज़ाद करवाना है। कश्मीर ना पाकिस्तान ना इंडिया, सिर्फ कश्मीर एक इंडिपेंडेंट वे से हमें बिल्कुल इसे इंडिपेंडेंट करवाना पड़ेगा, क्योंकि कितने ज़्यादा लोगों के साथ जो है वो जुल्म होता है और किस तरह से हम जो है एक तरह से लिबरल एयर जी फील ही नहीं कर पा रहे, हम सही तरह से आज़ाद नहीं हुए, इस तरह से कर करके उन बच्चों के दिमाग के अंदर रिलीजन पॉलिटिकल जैसे कंसेप्ट करके उन्हें फैनेटिक बना दिया जाता है, एक तरफ एक जड़ बुद्धि वाले, एक तरफ जिनका दिमाग चलता है, और यहीं से शुरुआत होती है ना टेररिज्म की। नेशनलिज्म का एक एक्सटेंशन, और वो नेशनलिज्म जब ह्यूमैनिटी को ओवरलैप कर जाए तो वो आगे जाके बन जाती है हमारे पास टेररिज्म, बिल्कुल सही है, इस हद तक नेशनलिज्म घुस जाना अंदर कि ह्यूमैनिटी जो है वो सबसीड कर जाए तो टेररिज्म का जन्म होगा, इस तरह से टेररिज्म का जो मेन कंसेप्ट है वो यहाँ हमें देखने को साफ मिलेगा। तो कुछ कुछ क्ल्यू दे रहा हूँ मैं ताकि आंसर राइटिंग में आपको हेल्प मिल सके। तो मेन दोबारा आफ्ताब जो है इसमें मेन कहानी में है, जो कि एक स्कूल गोइंग बॉय है, उसके साथ साथ एक सीक्रेट ग्रुप से कनेक्टेड है, और ये जो ग्रुप है इस ग्रुप का हेड होता है अक्रम, तो मेन है जो स्टार्टिंग में कहानी में दिखाया गया जिसकी डेड बॉडी वो क्या अक्रम, तो अक्रम जो है वो इसका लीडर है। अक्रम इसका ज़्यादा एज का होता है ये बंदा, और यही ऐसे मासूम बच्चों को पकड़ता है और उनके दिमाग के अंदर भर देता है कि कश्मीर जो है ये ज़मीन जो है यही हमारे भगवान है और इसी को आज़ाद करवाने से हमें पुण्य मिलेगा, इस तरह की फीलिंग को डालना, तो अक्रम लीडर है भाई इसका। तो जो यहाँ पे आफ्ताब है, आफ्ताब के फैमिली के बारे में थोड़ा सा जान लो, इसके जो फादर है वो स्कूल टीचर है और उन्हीं के स्कूल में जो है वो आफ्ताब भी पढ़ता है, तो नॉर्मल सी बात है। जो मदर है बिल्कुल सही, एक हाउस वाइफ भी दिखा रखी है और इंडिया की तरफ डेडिकेटेड है, उसे पूरा पता है कि जिस तरह से अच्छी तरह वो जानती है कि बाहर कश्मीर में किस तरह से लोग जो घूम रहे हैं वो आम बच्चों को पकड़ते हैं, उनके अंदर इस तरह की फीलिंग को डाल के और इस तरह की सोच को भर भर के वो उन्हें टेररिज्म वाले गेम की तरफ मूव कर देते हैं, और बाद में इससे क्या होता है
कि सिंपल देश भी खतरे में आ जाता है और ऐसे लोग भी खतरे में आ जाते हैं और बच्चे की भी डेथ हो जाती है, जो इस कहानी में एंड में होना ही होना है। इस तरह की सोच वाली मदर है। तो टेररिस्ट ग्रुप में कौन कौन है भाई? फिरोज़ है और अफ़गान है। फिरोज़ और अफ़गान को फिरंगी टर्म दिया जाता है, अंग्रेज नहीं है बल्कि ये दूसरे ज़मीन के, दूसरे सरगना के, आप कह सकते हो दूसरे लैंड के, यानी ये कश्मीर के नहीं है। और जो आफ्ताब की जो मदर है वो अगेंस्ट थी फिरंगी की, उनका मानना था ये लोग जो है अपने कश्मीर के नहीं है, ऊपर से ये लोग जो है वो भड़काते हैं चीज़ों को, अपना काम निकालते हैं और चल पड़ते हैं। ठीक है, इनका सिर्फ एक ही मकसद है, वो है लोगों को मारना और लोगों का जो उनके जो देश है देश को अंदर से खोखला करना। वहीं पे दो कैरेक्टर और हैं, जावेद और इमरान, रट लेना नाम, जावेद और इमरान, ये कश्मीरी है। तो जावेद कश्मीरी हो गया, इमरान कश्मीरी हो गया, और हमारा जो सेंट्रल कैरेक्टर आफ्ताब वो तो कश्मीरी है ही। अब क्या है, जो आफ्ताब है वो स्कूल तो जाता था पर साथ ही साथ जो है वो अकरम के अंदर ट्रेनिंग ले रहा था, और अकरम उसे इस तरह की सीख दे रहा था कि कश्मीर को आज़ाद करवाना पड़ेगा। अगर हम कश्मीर को अगर हमने आज़ाद करवा दिया तो कल परसों से कोई दंगे नहीं होंगे, ना कुछ होगा, बहुत ही शांति जो है वो कश्मीर में चलेगी। ऐसी बातों में आके अकरम का बहुत बड़ा जो है फ़ैन बन जाता है, एक तरह से उसे अपना एक गुरु मान लेता है। कौन? आफ्ताब अकरम को बहुत ज़्यादा मानता था, पर एक बच्चा तो बच्चा होता है। कई बार जैसे वो लेट आता था जब ये ग्रुप में बातें चलती रहती थी, क्योंकि उसको स्कूल को भी मैनेज करना है, साथ ही साथ ऐसे टेररिस्ट ग्रुप में भी जाना है जो कि उन्हें इस तरह से बोलते थे कि हम देशभक्ति कर रहे हैं, ये इस तरह का टाइटल दिया जाता था, पर वो देशभक्ति नहीं था, वो देशद्रोही का काम है। तो वहाँ जाके वो जब लेट पहुँचता सब उसका मजाक बनाते थे, देख आ गया बच्चा, अपनी माँ का लाडला बच्चा आ गया, ऐसे करके। इससे उसको बहुत ज़्यादा अजीब लगता था, उसे बुली भी किया जाता था, पर फिर भी वो इतना ज़्यादा अकरम को के क्लोज था कि वो ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था। वो मानता था कि अकरम जो भी सोच रहा है सही सोच रहा है और बिल्कुल उसकी सही सोच है। देखो आफ्ताब की यहाँ पे काम क्या था, उसका काम था उसे बम एक्सप्लोडिंग में रखा गया था कि बम को एक्सप्लोर करना है, एक सिग्नल आता था कि तुझे यहाँ जाके बम को एक्सप्लोर करना है, वहाँ करना है, वो आफ्ताब काम संभालता था। अकरम पूरा मेन लीडर था। तो वहाँ पे जो कि हमें जो वहाँ पे आर्मी के आर्मी को डिप्लॉय, क्योंकि कश्मीर आपको पता है 370 के अंदर आर्मी का जो है वहाँ पे रेगुलेशन चलता है, 370 बेशक अभी हट चुकी है 2020 में, पर हम जो उस समय 370 यानी कश्मीर के ऊपर आर्मी का जो है कंट्रोल बहुत स्ट्रांग था, और एक इनको स्पेशल प्रिविलेज भी दिया गया था 370 के अकॉर्डिंग। तो आर्मी और गवर्नर रूल के अंडर आता है और प्रेसिडेंट का डायरेक्टली कंट्रोल होता है इस तरह के स्टेट पे। तो मेजर रमनीक ठीक है, उनको शक हो गया आफ्ताब के ऊपर कि ये लग रहा है कुछ ना कुछ इसकी हरकतों से, ये उधर उधर जैसे जाता था कि ये कहीं ना कहीं आतंकवाद जैसे ग्रुप से कनेक्टेड है, पर सस्पेक्ट था, कोई वो नहीं था। इसके कई पूछताछ भी किया आफ्ताब से पर कुछ निकल के नहीं आया तो छोड़ दिया, पर नज़र फिर भी बनाए रखी थी आफ्ताब के ऊपर। और फिर क्या होता है कि आफ्ताब का ये काम दिया जाता है कि उसे मार्केट में जाके बम को एक्सप्लोर करना है, और वो इसी काम को अंजाम देने वाला था कि भाई। तो अब क्या होगा नॉर्मली कि जैसे ही आफ्ताब, जैसे जो इनका मेन कैंटोनमेंट एरिया है, कैंटोनमेंट एरिया किनका? आर्मी का, इंडियन आर्मी का, वहाँ पे जो है अकरम के ऑर्डर के थ्रू वहाँ पे बम एक्सप्लोड कर दिया जाता है। बम फटता है तो पूरा जो है बारामुल्ला हिल जाता है, बारामुल्ला पूरा हिल जाता है, जिसको देखते हुए जो है अब उस मेजर रमनिक को लगता है कि कोई एक टेररिस्ट ग्रुप जो है वो यहाँ पे एक्टिव है। ठीक है, ये सारा कुछ पता था अकरम को, पता था कि वो जो बम एक्सप्लोड जो है वो अकरम ने करवाया था अपने डिज़ाइन उससे। तो इसमें क्या होगा नॉर्मली अब ये होने वाला है, फिरोज़ को अरेस्ट कर लिया जाएगा, और जो बम एक्सप्लोड हुआ है उस एक्सप्लोजन में जो है फिरोज़ को अरेस्ट कर लिया होता है, और अकरम वहाँ से भाग जाता है। पर भीड़ इतनी ज़्यादा हो रखी है होती है कि अकरम भागते भागते जो अकरम बीच में जो है वो बेहोश होने लग जाता है और उसके चोट लग जाती है, जिस वजह से उसकी अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है। उसकी डेथ की वजह से फिर आफ्ताब टूट जाता है, क्योंकि वही उसका मेंटर और गाइड था जो कि उसे बिल्कुल सही रास्ता दिखा रहा था उसके अकॉर्डिंग, आफ्ताब के अकॉर्डिंग, पर वो तो टेररिस्ट में बदल चुका था। तो फिर आफ्ताब इतना ज़्यादा जब पागल हो जाता है, उसको वो संभाल नहीं पाता, तो गुस्से में वो जाके मार्केट में बम एक्सप्लोड कर देता है। जब मार्केट में बम एक्सप्लोड होता है तो क्योंकि क्राउडेड एरिया, बहुत सारे जो मासूम है उनकी डेथ हो जाती है। ऐसा होता है कि बारामुल्ला में हर फैमिली का कोई ना कोई उसकी डेथ उसमें हो जाती है।
अब इसी में जो है आफ्ताब की वजह से इतना ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ और ऐसा टेररिस्ट एक्टिविटी आफ्ताब ने परफॉर्म किया है, ये जान के सबका दिमाग वैसे ही पहले ही होता है कि ये आफ्ताब ने क्या कर दिया, किस वजह से इतने ज़्यादा लोग जो है वो मरे, पर उसमें आफ्ताब की भी डेथ हो जाती है। अब आफ्ताब की भी डेथ हो गई और उसके साथ साथ एक चीज़ और, जो आफ्ताब की बड़ी बहन थी साजिया, उसका एक लव सीन दिखा रखा है, जो उसका लवर है उसकी भी डेथ हो जाती है उस भीड़ में, और क्योंकि बम एक्सप्लोजन में, क्योंकि पूरा जो धरती है वो हिल जाती है और उसका बम का जो इम्पैक्ट इतना आता है और वो जो एनर्जी, हाई एनर्जी इतनी प्रोड्यूस होती है, जिस वजह से क्या है काफ़ी ज़्यादा डेथ होती है। इसमें आफ्ताब की खुद की डेथ हो जाती है। ये कहानी बिल्कुल एंड में इतने नेगेटिव वे से मूव कर रही है कि बहुत हाईली नेगेटिव एसेंस में इसको रख रखा है, और पूरा एंड में मातम का सीन होता है, चारों तरफ मातम हो रखा होता है। इसमें हर फैमिली की जो मदर होती है वो रो रही होती है, किसी न किसी के घर में से कोई ना कोई गया होता है, और आफ्ताब की डेड बॉडी को, आप पूरी जगह शांति है और आफ्ताब की डेड बॉडी को लेके जा रहे हैं वो, ठीक है, फ्यूनरल प्रोसेशन के लिए, जिसके लिए वो जो है बाकी जो है उसके साथ ही जो बचे हुए हैं जो भी है वो गन चला रहे हैं। एक तो पूरा माहौल पूरा शांति से मातम छा रखा, उसमें गन की आवाज़ इतनी तेज़ तेज आ रही थी, जिसकी वजह से आफ्ताब की मदर को, जो कि उसे बार बार ही समझाती थी कि ये आतंकवादी जैसी चीज़ तेरे दे, जो तू इधर उधर जा रहा है मुझे पता है, तू कहीं ना कहीं उल्टे रास्ते में मत आना, क्योंकि इस तरह की चीज़ कहीं आगे नहीं लेके जाती, देश हमारे साथ है, अच्छे अच्छे थॉट्स डाल रखे थे। पर वो जो है उस समय जब वो गन चला रहे थे तो उससे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि इसी की वजह से और ऐसी सोच और आइडियोलॉजी की वजह से उसका बेटा आज नहीं रहा और कितने मासूम घर परिवार आज उजड़ गए। तो वो लास्ट में कहती है वही लाइन जो कि टाइटल बन जाता है इस पूरे राइटिंग का, दैट नो गन्स इन माय सन्स फ्यूनरल, ठीक है, वो जो लाइन है बिल्कुल जो मेन टाइटल है ऑफ द राइटिंग, वो जो राइटिंग है वो जो मेन टाइटल है वो कहाँ से है, दैट्स अगेन द डायलॉग, और वो जो डायलॉग है वो किसने बोला था, उसकी मदर ने, किसकी मदर ने, आफ्ताब की मदर ने। तो इस तरह से जो टाइटल आ जाती है दैट नो गन्स एट माय सन्स फ्यूनरल, और ये जो टाइटल है दैट्स अगेन द आयरोनिकल भी है, साथ ही साथ सिम्बॉलिकल भी है और काफ़ी डीप सोशल मैसेज भी देती है। उसके बाद मॉरल थॉट और टेररिस्ट जैसे एक कंसेप्ट जो कि आज पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में, अगर हम बोलते हैं मॉडर्न कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, जो कि बहुत ज़्यादा इस तरह की जो चीज़ है वो स्टिल आज काम कर रहे हैं, और काफ़ी आज भी हमारे यूथ जो है इस लाइन में एक्सप्लॉइट होते जा रहे हैं, उनके दिमाग के अंदर वो अपना जो कंसेप्ट है उसको प्लांट करते हैं, सीड करते हैं, स्लॉट डाउन करते हैं और फिर इस तरह से काम लेते हैं। यहाँ पे कहानी पूरी ख़त्म होती है। अब इस कहानी को अलग अलग सोर्सेज से हम देखेंगे और चलते हैं। अब देखो कहानी आपको तो सब के हम अपने आंसर राइटिंग को बोल्ड कर सके। इन द नॉवल दैट नो गन्स एट माय सन्स फ्यूनरल, आफ्ताब लव्स हिज मदर हुड कश्मीर, बट दिस इज द विटनेस ऑफ द लॉट ऑफ द ब्लड शेड, होता है वायलेंस, बम ब्लास्ट और डेथ का सीन दिखाया गया है। तो एट ए कैटास्ट्रोफिक एंड इसका एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस द रियलाइजिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, टेररिस्ट ग्रुप के बाद ज्वाइन होने के बाद उसने इस तरह की चीज़ें होने लग गई। हिज मदर हमेशा उसकी जो माँ थी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसे नोटिस भी कर चुकी थी कि कोई इसे मैनिपुलेट कर रहा है। शी वॉन्ट्स हर सन सेवरल टाइम, वो उसे बार बार वार्निंग देती थी कि कश्मीरी पीपल के जो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स को गलत रास्ते पर लेके जाने, बट आफ्ताब इज लॉस्ट इन हिज विजन एंड इग्नोर हर सजेशन, पर वो किसी के सजेशन को मानने वाला था कहाँ। मोस्ट ऑफ द टाइम ही अराइव लेट इन दिस मीटिंग, कई बार वो मीटिंग में लेट जाता था तो वहाँ के जो लोग होते थे वो उसे क्या बोलते थे, अरे माँ के लाल, फिर माँ की फिरन में फंस गया क्या, ठीक है, फिर माँ के फिरन में फंस गया क्या, स्टिल मामाज प्रेशियस लिटल डार्लिंग, क्या आज भी ये अपनी मामाज बॉय है। तो वो ड्यू टू दिस ही फील्स बिलीड, उसे कभी ह्यूमिलेशन फील होता था। अक्रम जो कि एक बहुत ही गुड मैनिपुलेटर था, जो कि हर एक को अपनी बातों में फंसाता था, वही लीडर था इन ग्रुप का, इज नॉट ए कश्मीरी, वो भी कश्मीरी नहीं था, फिरंगी था। पारो आनंद ने प्रोजेक्ट किया है दैट द थॉट्स ऑफ द डिफरेंट टीनेजर हु अनफॉर्चुनेटली गेट इन्वॉल्व इन द टेररिस्ट एक्टिविटी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेजेस को लीड किया, इसीलिए हर फेज की राइटिंग या कंटेम्प्रेरी राइटिंग का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। दिस यंग बॉयज़ आर ऑलवेज विलिंग टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ, ये जो यंग बॉयज़ हैं हमेशा ऐसे मदरलैंड जैसे कंसेप्ट को लेके, क्योंकि ये जो एज होती है टीनेजर्स की इस टाइम पे इस तरह की फीलिंग होती है कि देश के लिए कुछ कर मिटना, और इसी फीलिंग का कहीं ना कहीं कुछ लोग बैठे हुए ऊपर जो कि यूज़ करने के लिए तैयार है। आफ्ताब एक टीनेजर है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, करेजियस, पर उसको इस तरह से जो है वो डिरेल करना और एक अलग पाथ की तरफ मूव करना, ये ऊपर के जो बंदे होते हैं फैनेटिक माइंडेड के बंदे जो होते हैं उनका काम होता है। और कन्फ्लिक्ट ऑफ द कश्मीरी पीपल, ये बोला गया कि इसके बाद कश्मीरी लोग जो हैं बहुत ही प्यार से रहेंगे, इस तरह से बहलाया फुसलाया गया किसको, आफ्ताब को।
तो पारो आनंद ने आफ्ताब कंपेयर हिंदी एक्टर किस एक्टर से कंपेयर किया है? ऋतिक रोशन से। फिजा मूवी अगर आपने देखी हो इसी के ऊपर बेस है कि फिजा मूवी में जिस तरह से AK-47 जैसे पावरफुल आर्म्स जो है वो मसल दिखाना, ये सबको दिखाना, जॉ को दबाना और AK-47 लेके जाना, मतलब हाथ में ऐसे लहराते हुए, इस तरह की चीज़ों से आफ्ताब को कंपेयर किया। तो राइटिंग के अंदर ये ऋतिक रोशन और फिज़ा उस जैसे उसके कंपेयर किया है। आफ्ताब की जो मदर है कीप स्टर्लिंग, वो हमेशा बताती रहती थी आतंकवादी और इल इंटेंशन, उनके इंटेंशन बिल्कुल सही नहीं होते। शी ऑल्सो इन्फॉर्म हिम दैट दे कुड यूज़ एनी वन टू फुलफिल देयर प्लान, वो अपने प्लान को फुलफिल करने के लिए किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। आनंद डिस्क्राइब द आफ्ताब एज ए कश्मीरी बॉय डिफाइन किया विद वेरी सिंपल फैमिली, हिज फादर एक ऑनेस्ट स्कूल टीचर थे, मदर एक डिसेंट हाउसवाइफ थी। इनोसेंट आफ्ताब कुड नॉट डिस्कवर द ट्रू नेचर ऑफ अक्रम, बेचारा वो पहचान ही नहीं पाया अक्रम क्या था, किस तरह के दिमाग वाला इंसान था। आफ्ताब हैज़ ओनली वन ड्रीम टू मेक हिज हीरो अक्रम प्राउड, वो बस एक ही चाहता था कि अपने जो है यानी अपने जो गुरु या जिसने उसे सिखाया या भाई बोल दो अक्रम उसको, ताकि वो उस पर प्राउड फील करें कि वो गैंग में वो भी किसी लायक है। अकॉर्डिंग टू द GS हॉल, तो एडोलसेंस का भी एक कंसेप्ट है जिसके ऊपर मैंने कवर किया। एक एडोलसेंस एक ऐसा पीरियड होता है जो कि हम पढ़ते हैं इन फील्ड ऑफ साइकोलॉजी में भी, और कई सारे जो अलग अलग थियोरिस्ट हैं, ठीक है, जो थियोरी जिन्होंने दी है कि एडोलसेंस के रिगार्डिंग और इसके साथ साथ और बाकी, उनमें भी ये सब बातें रखी गई है। जैसे जीन पियाजे जैसे थ्योरी अगर आपने पढ़ी हो, कॉलबर्ग थ्योरी, ऐसे कई सारी थ्योरीज है जो कि इनके ऊपर बताती है एडोलसेंस एज कैसा होता है। इसमें अंदर से बच्चा बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस होता है और देश और सोशल नोटिस और सोशल मैसेज और दूसरों की नज़र में आने की कोशिश करता है ताकि वो समझे कि ये भी एक सच में एक रिस्पेक्टेड बंदा है और इसको हमें अपने साथ लेके चलना है। इट्स ऑल्सो एन एज ऑफ द गैंग एज जिसे कहते हैं, एक गैंग फॉर्मेशन करना। तो साइकोलॉजी जैसे एक बेस्ट कंसेप्ट को भी इसमें बहुत ही अच्छी तरह से प्लेस किया है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, हम अब इसमें देखते हैं एक के साथ खेलता था रात को, एंड ही बिकम्स एन एक्टिविस्ट, वो एक्टिविस्ट बन जाएगा, कैसा सोचा ही नहीं था। इस बाकी इसमें रिफ्लेक्ट द लव अफेक्शन ऑफ द एल्डर्स, फॉर एग्जांपल इन द नॉवल व्हेन द आफ्ताब विजिट्स द लालाजी शॉप विद अक्रम, जब वो अक्रम के साथ लालाजी के शॉप पे जाता था, लालाजी ट्राइज टू हाइड द रियलिटी। अब लालाजी जो थे वो ट्राई करते थे कि वो अपनी रियलिटी को हाइड करें, सेज अलोन सा ही वॉज अलोन दैट हु वुड कीप कंपनी विद सच अ रोग, और मोर ओवर द लालाजी थ्रिएटेड हिज हेल्पर हेल्ड हिज आर्म टाइटली एंड इंस्ट्रक्टेड हिम नॉट टू स्पीक एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ द पुलिस अबाउट आफ्ताब। अब लालाजी के बारे में, कि लालाजी खुद कहते थे कि आफ्ताब के बारे में पुलिस को कोई कुछ नहीं बताएगा। द मेजर रमनीक हु हैज़ बीन हैंडेड ओवर द केस, जिनको केस हैंडल किए करने के लिए दिया गया, तो उनके आगे भी कोई नहीं बताएगा। ही वॉन्टेड टू नो समथिंग मोर फ्रॉम देयर दैट हिज इंस्टिंक्ट टोल्ड हिम दैट समथिंग वॉज नॉट क्वाइट राइट, उसको अंदर उनको अंदर से पता चला कि इसको मेजर रमनीक को कि कुछ यहाँ पर सही नहीं चल रहा, दैट यू आर श्योर दैट ही वॉज अलोन। तो वो कई बार पूछता भी था यानी मेजर रमनीक के तुम्हें पक्का पता है ये अलोन है। लालाजी कन्विंस करता था मेजर को, वी ऑल हेट दिस फॉरनर दैट हू हैव मेड अवर लाइफ अ लिविंग हेल, हम सब इस तरह के फॉरनर से नफरत करते हैं। तो लालाजी भी सपोर्टिव था कहीं ना कहीं। तो एक किसी को मुजरिम बनने के लिए एक ही बंदा नहीं, सोसाइटी जो होती है दैट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। और मेजर कई जगह बोला दैट सोसाइटी इज ऑनली द मेजर फैक्टर दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एनी नॉर्मल इंडिविजुअल टू एक्टिविस्ट। और ये सब बातें यहाँ से देखने को मिलती है कि एक दो नहीं बाकी सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा थे, अगर उनमें कोई सही सलाह देता तो आफ्ताब का इस तरह का एंड नहीं होता। बस आपके लिए ये कर सको और लिख के आ सको, क्योंकि सभी बच्चों का यही होता है कि YouTube पे ऐसा कोई पढ़ा नहीं रहा, कि मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ ये है कि YouTube पे कोई पढ़ा नहीं रहा क्योंकि सारे मटेरियल्स नहीं मिलते, तो इसीलिए मटेरियल्स डालता हूँ। बाकी जो स्कॉलर्स टाइप बच्चे हैं जो अच्छे हैं उन सबको सबसे पहले थैंक यू जो कनेक्टेड है, और बाकी जो है और भी उनके लिए सही है, कोई गाइड वाइड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मटेरियल और काफ़ी बेहतर आप लिख सकते हो। चलो शुरू करते हैं। इन द प्रेजेंट नॉवल द आनंद प्रोजेक्ट्स द टीनेजर साजिया दैट हु इज़ क्लेवर एंड द बोल्ड, साजिया को भी प्रोजेक्ट करा जो कि क्लेवर भी थी बोल्ड भी थी, नोस वेल टू हैंडल द डिफिकल्ट सिचुएशन को भी, तो यानी फेमिनिस्ट ग्राउंड से बहुत ही स्ट्रॉन्ग राइटिंग है। शी सीक्रेटली गेट्स इन्वॉल्व इन टेररिस्ट एक्टिविटी, वो भी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गई थी। शी इंटरेस्ट आफ्ताब, वो इंस्ट्रक्ट करती थी आफ्ताब को व्हाट टू से इन फ्रंट ऑफ द आर्मी एंड द मेजर, के आर्मी और मेजर के आगे कैसे बोलना है, एक झूठी कहानी कैसे बनानी है। तो देखो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि शॉर्ट स्टोरीज में एकदम समझ नहीं आती है, शॉर्ट समरी में समझ नहीं आती, तो इसीलिए डिटेल्ड होता है कि भाई साजिया भी सही नहीं थी, वो भी टेररिस्ट एक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा हिस्सा लेती थी। ही टेल्स द मेजर दैट ही वाज सपोज्ड टू मीट द फिरंगी इन ऑर्डर टू सेव हिज सिस्टर, तो कहती थी मेजर को कह देना कि मैं फिरंगियों के साथ इसलिए मिला था ताकि मैं अपनी अप्पा को बचा सकूं यानी बहन को।
ही सेड दैट एज हिज अप्पा इज ब्यूटीफुल, क्योंकि उसकी अप्पा जो है वो ब्यूटीफुल है इसलिए फिरंगी उसे देखते थे, उसे बचाने के लिए मैं फिरंगियों से मिलता था। इस तरह से करके जो है साजिया ने भी हेल्प करी है आफ्ताब की। उसके बाद देखो दैट शी लव्स हर बिलव्ड, साजिया इज रियली शार्प एंड स्मार्ट थी, शी एडमिट्स हर रिलेशनशिप विद द अक्रम, उसने ये भी बोला कि उसका एक रिलेशन है अक्रम के साथ, एंड शी लव्स हर बिलव्ड अक्रम एंड हर यंगर ब्रदर आफ्ताब, वो कहती है वो अपने अक्रम को भी प्यार करती है और अपने भाई को भी करती है। दैट शी इज़ ब्रोकन इन टू पीसेज व्हेन शी फाइंड्स हर लिटिल ब्रदर डेड, अब अक्रम का छोटा भाई भी जब मर गया था बिकॉज ऑफ द अक्रम, एंड शी सेज दैट ओ आफ्ताब आफ्ताब माई ब्रदर आई एम सॉरी दैट आई लेट यू गो अलोन। साजिया ब्लाइंडली लव्स अक्रम बट अपेरेंटली ही इज प्लेइंग विद हर फॉर हिज डर्टी मिशन, शी रियलाइजेस दैट दीज थिंग्स आफ्टर लूजिंग बोथ आफ्ताब एंड अक्रम। तो देखो जो यहाँ पे जो किस तरह से जो साजिया है वो प्यार करती थी अक्रम से, तो ये ध्यान रखना आपको बिल्कुल, और अक्रम जो है वो जो साजिया का बस वो यूज़ कर रहा था एक तरह से, और बाद में साजिया को पता ही नहीं चला, पर ये बाद में पता चला साजिया को जब वो देखती है कि आफ्ताब भी गया उसका भाई छोटा और उसके साथ साथ क्या अक्रम भी चला गया। एंड शी पंचेस हर बेली एंड कुड नॉट बियर द वॉइस ऑफ द मॉर्निंग ऑफ द फैमिली, और जो एंड में जो चिंगाड़ रोना पीटना वो सब कुछ वो होल्ड ही नहीं कर पा रही थी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि दिस स्लाइड हर स्लाइड इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसके बाद उसके बाद व्हेन ही वाज इन हिज एडोलेसेंट एज दैट ही लेफ्ट हिज ओन फैमिली एंड गॉट इन्वॉल्व इन द टेररिस्ट एक्टिविटी। अब देखो यहाँ पे अक्रम के बारे में बताया, अक्रम के बारे में बैकग्राउंड क्या है, जब वो एडोलेसेंट में था तो उसने अपनी फैमिली को छोड़ के टेररिस्ट एक्टिविटी में आ गया था। अक्रम सर्चेस फॉर हिज ओन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का भी फैक्टर है यहाँ पे, क्योंकि देखो कोई भी लड़ाई होती है दैट्स अबाउट द आइडेंटिटी, अगर किसी की आइडेंटिटी फ्रिजाइल होने लग जाए वीक होने लग जाए या उसकी आइडेंटिटी डिसॉल्व होने लग जाए तो ऐसा बंदा बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आइडेंटिटी जो होती है वो उसे प्रिजर्व करती है कल्चर, और अगर कल्चरल रूट्स ना हो तो आइडेंटिटी आईडी यानी सिग्नल फ्यूड की ईद ये डिसॉल्व हो जाती है, जब ये डिसॉल्व हो जाती है तो उस इंडिविजुअल की कोई आइडेंटिटी रहती नहीं है, तो फिर वो एक तरह का टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना शुरू कर देता है। The Akram hides himself in a secret place after the incident in the Lalaji shop and Akram feels safe that somewhere also feel the worried that he was with Aftab. Aftab is a local boy and could easily found by the police. Akram chup jata hai, uske baad jo hai Aftab ko police joon leti hai. Akram has full faith in Aftab ke upar, pura uska bharosa tha, he is loyal and the honest. Akram tries to sleep throughout the night in the unconscious thought that have become the conscious after the incident. He closes his eyes and gets lost into thought of his past where he wore a militant outfit during the adolescent period. Akram was young. वो ही बार में बता रखा है अक्रम के बारे में, किस तरह से वो जैसे ही वो अपने सोता है और वो जैसे सपने में चला जाता है या पास्ट लाइफ में जाता है तो नॉस्टैल्जिक जैसे ही हो जाता है, तो तब पता चलता है कि अक्रम जो है वो किस तरह से अपने यंग टाइम पे वो एंथुसियास्टिक था यानी जोशीला था, पूरे जोश से भरा हुआ था। ही वांटेड टू बिकम हिज नॉन पर्सन, वो एक नॉन पर्सन बनना चाहता था, बट कॉन्स्टेंट चेंजेस उसके बिहेवियर बदलता गया और उसका इम्पेशेंट और रेस्टलेस वाली जो उसको ग्रुप ऑफ मिलिटेंट फॉर्म करने में मदद कर देती है, यानी वो अंदर से बहुत उतावला था, वो कुछ करना चाहता था, वो शॉर्टकट क्या है कि बस ठीक है कुछ करना चाहता, कुछ होते हैं संकी कि हमें कुछ बनना है, जब कुछ नहीं बन पाए तो उनका आईडी कंसेप्ट जो होता है बहुत ही जो होता है उनका ईद या बोल सकते हो आईडी, सोशल आइडेंटिटी डिसॉल्व हो जाती है, ऐसे टाइप के कल्चरल रूट्स उसके टिक नहीं पाते, इस तरह का बंदा जो है वो कुछ भी करना शुरू कर देता है, बस उसे नाम चाहिए, और इसी वजह से उसके नाम के चक्कर में कई सारे जो है लाइफ वुमेन चिल्ड्रन इनकी डेथ हो जाती है एंड में, और द टीयर्स दैट ही लोजेस इज सेकेंड होम एंड दैट ही उसमें कश्मीरी आज़ादी ग्रुप कैग फॉर्म करता है वो कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए, पर इस तरह के जो ग्रुप होते हैं इनमें जो है यंगस्टर और यूथ होते हैं बहुत अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें लगता है कि बिल्कुल ये उनके एज के हिसाब से सही है, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड अगेन द नेशनलिज्म, पर ये नेशनलिज्म दिस इज कॉल्ड फेनेटिज्म है ना, ये फेनेटिक माइंड है, किस तरह से उनके दिमाग को पूरा जो है कर्व कर लिया जाता है और अपनी तरफ से मूव करवाया जाता है, उनका मेन एजेंडा ही होता है दूसरे देश को, और बस अपना एक आधा संकी होता है वो अपने जो कंसेप्ट है और आइडियोलॉजी है उसको रूल करवाना चाहते हैं, तो आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट जो है उसके पीछे इतना ज़्यादा जो है डेथ, और हमने देखा इसमें एंड में कितना ज़्यादा जो है होमिसाइड और ह्यूमन और मैसेकर ये देखने को एंड में मिलता है। अब जैसा कि आप देख रहे हो तो कोर अगर हम कह सकते हैं ओवरऑल राइटिंग का दैट इज़ ए टेररिज्म, टेररिज्म की कोई एग्जैक्ट एंड एप्ट डेफिनेशन नहीं है, कोई एक एग्जैक्ट और एप्ट डेफिनेशन नहीं है, इसके मल्टीफेसेटेड और मीडियट कंसेप्ट हो सकते हैं दैट कैन लीड टू द टेररिस्ट और द टेररिज्म,
चाहे वो फिर नेशनैलिटी को दिखाना हो या फिर किसी का पागलपन हो या फिर किसी का कल्चरल रूट्स जो है हो या फिर किसी के कल्चर को सब्जुगेट किया जा रहा हो या फिर किसी के साथ कुछ ऐसा हो जैसे कि उसके बेसिक नेसेसिटी और एंटिटी के साथ छेड़वाड़ किया हो, तो ये एक तरह का वो कुछ भी हो सकता है। तो टेररिज्म एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है एजेंडा है जिसको आज हटाने के लिए ग्लोबल इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे मीटिंग होती है ताकि इस तरह के टेररिज्म जैसे कंसेप्ट को हटा सके। और यूथ के अंदर जो होता है जो एज होती है उस एज में इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा जो है उसको स्लॉट डाउन किया जाता है और इस तरह के यूथ को मूव करा जाता है। टेररिज्म को देखते हैं इस राइटिंग से कनेक्ट करके। अब यहाँ देख आज भी देखो भाई सही रहे तो बढ़िया है। तो वन सच नॉवल दैट एड्रेसेस द मोस्ट इल्यूसिव एंड द कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रेजेंट इज द टेररिज्म, बिल्कुल से विच इम्पैक्ट्स स्पेशली द माइंड सेट ऑफ द टीनेजर के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। पारो आनंद ने बिल्कुल कंटेम्प्रेरी राइटिंग लिखी और मेरे हिसाब से ये हमेशा कंटेम्प्रेरी इट्स अ सीक्वल ऑफ द वीड, ये वीड का सीक्वल है। जैसे पहली राइटिंग आई थी वीड, वीड का मतलब पता होगा, इट मीन्स दैट अनवांटेड प्लांट्स, खरपतवार जिसे कहते हैं, फसल उगाओ उसके बीच में ऐसी फसल हो जाए जो कि नहीं चाहिए किसी को, दैट इज़ कॉल्ड वीड, तो उसे वीड बोलते हैं। तो वीड का एक नेक्स्ट है, ये उससे एक नेक्स्ट जो है सीक्वल है उसकी है। तो वीड नरेट्स द प्लाइट ऑफ द यंग बॉय उमर एंड हिज मदर दैट हु स्ट्रगल्स हार्ड टू प्रिवेंट हर चिल्ड्रन फ्रॉम ट्रेडिंग द पाथ ऑफ द वायलेंस, तो वायलेंस से के रास्ते से जाने से बचाना जो है इसमें एक मदर का काम होता है कि वो अपने बेटे को किस तरह से गलत रास्ते पे ना जाने दे, उसके रिगार्डिंग जो है ये पूरी नॉवल है। उसी का ही सीक्वल है दैट इज़ द नो गन्स एट माय सन्स फ्यूनरल, एक डिवास्टिंग इफेक्ट है टेररिज्म को बहुत ही अच्छी कला, एक मेटिकुलस वर्क है, बिल्कुल हार्ड वर्क है ये, बींग द डिस्क्राइब दस कंपेलिंग द स्टोरी ऑफ द चाइल्ड बींग बॉर्न इन टू अनरेस्ट, किस तरह से बच्चे जो होते हैं वो इस तरह से फेज में जब वो अनरेस्ट होते हैं अंदर से जिनको सही नहीं लगता वो इस तरह मिलिटेंसी टेररिज्म जैसे रास्ते पे चले जाते हैं। एक सोशल मैसेज स्ट्रॉन्ग अगेन, द पारो आनंद ए परफॉर्मेंस स्टोरी टेलर रिकॉर्ड होल्डर फॉर मेकिंग द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट न्यूज़पेपर, ये मैंने बता रखा नॉर्मली, इनफैक्ट इट इज़ हर द एक्सपोजर ऑफ द हार्श रियलिटी एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द टीनेजर, इनके ऊपर इनकी बहुत ज़्यादा पकड़ है। तो उसी इस तरह की बहुत ही रियलिस्टिक और एक सोशल फ्रेम वाली राइटिंग को हमारे सामने रखा है। नो गन्स एट माई सन्स फ्यूनरल नॉमिनेटेड करी गई थी किसके लिए, IIBY के लिए, इंटरनेशनल बोर्ड ऑन द बुक्स फॉर यंग पीपल, जिसको 2006 में ऑनर लिस्ट में भी डाला गया, द बेस्ट बुक फॉर द यंग पीपल फ्रॉम द इंडिया एंड ट्रांसलेट भी किया गया था स्पेनिश में जर्मन में, और ये यंग टीनेजर के साइकी के लिए लिखा गया था कि किस तरह से उनकी सोच जो उन्हें गलत रास्ते पर लेके जा सकती है। उसके बाद आफ्ताब इसका जो है वो सेंट्रल कैरेक्टर है, इज अ डिफरेंट ड्यूरिंग द डे, वो दिन में अलग होता था, ऐसा लगता था कि नॉर्मल एक बच्चा है पर रात को जो है वो प्लानिंग और इस तरह से और टेररिज्म जैसे बड़े काम में जो उसका हाथ था। उसका हीरो उसके लिए क्या था, जैसे कि कई नौजवानों के लिए हीरो कौन होते हैं जो AK-47 लेके घूम रहे हो या फिर गन चला रहे हो इस तरह का, उन्हें लगता है यही जो लोग हैं वो बहुत महान है और ये शॉर्टकट है और ये इससे वो देश की सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही कैरेक्टर अक्रम है। और उस अक्रम के चक्कर में वो ही नहीं आया था बल्कि उसकी बहन भी इसके लव अफेयर के आगे थी। तब इज़ लाइक द यंग टीनेजर हु वॉन्ट्स टू बी हिमसेल्फ, जो कि खुद अपना कुछ बनाना चाहता था, इन हरी टू प्रूव हिज वे व्हाट आफ्टर कैन नॉट रियलाइज, उसको डेंजर कभी वो पता ही नहीं कर पाया था उस ब्लडी पाथ में उसका एंड कहाँ होने वाला है। और ही इज़ ऑल्सो टू यंग एंड इनोसेंट टू डिस्कवर द ट्रू कलर्स ऑफ द अक्रम, वो काफ़ी जवान था, एक कच्ची आँखें थी इनको बोल सकते हैं एक तरह का, बहुत ही उसकी जो आँखें उस लेंस को होल्ड नहीं कर पाई जिसके थ्रू वो असली रंग देख सके अक्रम का। इन द इनोसेंट दैट द अक्रम यूटिलाइजेज एंड एक्सप्लॉइट टू फुलफिल द मिलिटेंट मिशन, उससे पूरा कर गए वो। पारो आनंद ने अपने बेस्ट वे से डिस्क्राइब किया आफ्ताब की फैसिनेशन एंड एडोरेशन फॉर द अक्रम, कि उसके लिए अक्रम जो है एंड व्हेन ही कंपेयर्स टू द ऋतिक रोशन इन द फिज़ा, वो फिज़ा के ऋतिक रोशन से कंपेयर करती है इसमें, ठीक है, किस तरह से वो भाई वो अक्रम जो सॉरी आफ्ताब वैसा बनना चाहता था। द चाइल्डहुड फैंटेसी एंड द फैसिनेशन, बच्चों का जो होता है जैसे मूवी देखते हैं फैसिनेशन अट्रैक्शन और एडमायरेशन, ये सब कंबाइन होके उन्हें इसे सेंसेशनल इफेक्ट के थ्रू इसका फ़ायदा कोई उठा के टेररिज्म की तरफ और आतंकवाद की तरफ मूव कर देता है, तो इससे बच के रहना चाहिए। प्रॉमिस ऑफ मनी एंड द मैरिज एंड द मार्शल आर्ट ट्रेनिंग, ये कहते हैं कि पैसा मिलेगा, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग मिलेगी, हथियार मिलेगा, और आजकल तो हथियार का दिखाने का मतलब है कि एक तरह से हवाबाजी। तो सच इज द ब्लाइंड फेथ इन द अक्रम, इसलिए उसने अक्रम पे ब्लाइंड फेथ कर लिया और अपनी अम्मी की भी नहीं सुनी, और यहीं से शुरुआत हो गया था डिग्रेडेशन और डेटोरेशन ऑफ अ सेंट्रल कैरेक्टर। तो ये ठीक है, तो ये ध्यान रखना यार, रिलीजन का
और इन सब का भी कल्चर का इस इम्पैक्ट से भी ये राइटिंग आ सकती है, पर आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ के लिखना है। एक सोशल राइटिंग है तो पता होना चाहिए, जब कल्चर जहाँ पे सबड्यू हो जाते हैं, जहाँ सोशल कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं वीक होने लग जाती है, सोशल फ्रेम जो है वो स्ट्रैगुलेट होना शुरू हो जाता है, वहीं पे टेररिज्म जैसे जो बहुत बड़े एजेंडे हैं उसको मूव करवाया जाता है। साइड था साइको एनालिसिस के फील्ड में। अब देखो साइको एनालिसिस की जब बात करते हैं हम, तो साइको एनालिसिस जो लेके आए थे, एक तो फेमस हमारे पास साइको एनालिसिस जो हम बोलते हैं सिगमंड फ्रॉयड, तो सिगमंड फ्रॉयड के कंसेप्ट आपको पता होगा कि एक फर्स्ट थिंग दैट इज आईडी जिसे ईड बोला गया, दैट एंड सेकेंड इज द ईगो, और तीसरा क्या होगा हमारे पास, दैट इज द सुपर ईगो। तो इसके थ्रू भी आपको ये राइटिंग समझ लेनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन ऐसा डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो ईड क्या है हमारे पास, ईड क्या है, जो एक इंसान जो जन्म लेता है जिस क्वालिटी से, जो क्वालिटी उसके अंदर होती है, इट मीन द डिज़ायर, जो हमारे पास जो डिज़ायर हमारे अंदर इच्छाएँ वगैरह जो होती है जिससे हम जन्म लेते हैं, जो हम सब के अंदर होता है, दैट इज़ कॉल्ड द ईड। ईगो क्या है, ईगो मीन्स दैट एक्सपेक्टेशन, समाज हमें देख रहा है, तो आप एक तरफ ऐसे बना लो सोसाइटी आपको देख रही है, तो आप उसके आगे जो बिहेव करते हैं दैट इज़ योर ईगो लेवल। इस ईगो लेवल को हमने अब अगर अपने सेंट्रल कैरेक्टर पे अगर हम डालते हैं, जो क्या है आफ्ताब, आफ्ताब इस ईगो के फैक्टर की वजह से ही देखा होगा वो दो रोल प्ले कर रहा है इसमें, और दूसरा रोल उसको करना पड़ रहा है क्योंकि समाज के आगे वो एक तरह का स्टूडेंट बन के रहना चाहता है, पर अंदर ही अंदर जो है वो एक टेररिस्ट एक्टिविटी को लीड कर रहा था। ये क्या है, दिस इज़ द सुपर ईगो। अब बहुत प्यार से अगर हम समझें तो जो हमारे पास जो आफ्ताब है, अब आफ्ताब का अगर हम देखें नॉर्मली जो वो स्टूडेंट की तरह जो है, दैट इज़ द ईगो फैक्टर, क्योंकि समाज के आगे वो किस तरह से दिखना चाहता है। और सुपर ईगो क्या है, यानी जो सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही है, सोसाइटी बेशक एक्सपेक्ट भी ना करे पर वो अपने हिसाब से जो है एक ज़्यादा चीज़ लगा के चलेगा कि मुझे ये करना है। सपोज़ करो आप एक रेस में भाग रहे हो और सब देख रहे हैं और सबको पता है आप जीत सकते हो, आप सेकंड नंबर पे आ रहे हो, सबकी एक्सपेक्टेशन आप फर्स्ट आओगे, पर आप सेकंड आ रहे हो, आपके पास एक शॉर्टकट है, आप बहुत लंबी रेस है, वहाँ तक कैमरा वैमरा नहीं है, आप शॉर्टकट मार के आ सकते हो फर्स्ट, पर फिर भी शॉर्टकट नहीं मार रहे क्योंकि आपको अंदर से लगेगा अरे ये मैंने क्या कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो खुद ही खुद जो सोच रख लेता है इंसान वो उसका सुपर ईगो फैक्टर होता है। तो अब वो देश की सेवा करना, ऐसा क्या उसी को देश की सेवा करनी थी और बाकी सब बेवकूफ़ हैं, कश्मीर को आज़ाद कराना उसका ही ये था। तो ये सुपर ईगो फैक्टर जब मूव होता है इसके ऊपर ही जो है टेररिज्म जैसे कंसेप्ट जो है वो चलते हैं। तो आफ्ताब का जो सुपर ईगो इवेंट है वो इसमें देखने को मिलता है, ईगो फैक्टर। और ये सिगमंड फ्रॉयड का साइको एनालिसिस एक परफेक्ट एग्जांपल है इस तरह के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से रिवील करना। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं भी है तो भी आप कंक्लूजन में ऐड करके आ सकते हैं। और ये साइको एनालिसिस थ्योरी और साइको पर्सपेक्टिव जो है और सिगमंड फ्रॉयड की ऐसी थ्योरी को ज़रूर ऐड करना। अब इससे जो नेक्स्ट है हमारे पास दैट द इश्यू ऑफ द आइडेंटिटी, क्या देखो एक सोशल आइडेंटिटी होती है हर किसी के एक समाज में, ये भी कहीं ना कहीं किससे कनेक्टेड, दैट्स ईड ऑफ सिगमंड फ्रॉयड, एक आइडेंटिटी मैनेज करना और इसी आइडेंटिटी को जो प्रोटेक्ट करना। अगर आइडेंटिटी किसी का, अब देखो ये आइडेंटिटी अगर कल्चरल आइडेंटिटी हो, अगर इस तरह का अगर कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो लूज़ होना शुरू हो जाए, कल्चरल आइडेंटिटी जैसी थ्रैश होती है यानी जैसी ख़त्म होने लग जाती है, तो टेररिज्म जैसे कंसेप्ट जो है उसे फ्लो करना किसी के ब्लड के अंदर बहुत ही ईजली हो जाता है। तो टेररिज्म लिक्विड को अगर ब्लड में फ्लो करवाना है तो सबसे पहले उसके कल्चरल जो रूट्स हैं उसको डिसंगेज करना पड़ेगा, डिसंगेज का मतलब उसको ढीला करना पड़ेगा, या फिर जो है कल्चरल रूट्स को अपरूट करना पड़ेगा, तभी आप टेररिज्म जैसे चीज़ों को ब्लड में मूव करवा सकते हो। और फिर वो उससे बंदा जो है फैनेटिक हो जाएगा और वो जैसे उसको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे वो वैसी तरह, या ब्लाइंड फेथ जैसे इसमें आफ्ताब अकरम पे कर रहा था, इस तरह की उसकी आइडियोलॉजी हो जाती है और इसी तरह की चीज़ जो है एंड में जाके काफ़ी जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब आइडेंटिटी, द नॉवल ऑल्सो एक्सप्लोर द इशू ऑफ द आइडेंटिटी, अकरम फील्स नो गिल्ट दैट डेथ हैड ऑफर्ड हिज हैंड एंड द मैनर इन विच दैट ही वॉज मेकिंग दिस आसिया आफ्ताब एंड अदर टीनेजर स्केप गोट्स फॉर द मिशन। वो सिर्फ एक बलि के बकरे थे जो कि मिशन के लिए चलाया जा रहा था। अकरम बहुत ही ट्रेंड था, वो उनको पता था किस तरह से इन लोगों को कोवर्ड बोल बोल के धमकी दे देके कि भाई तुम डरपोक हो, करो कश्मीर आज़ादी ग्रुप यानी कैग है ना, कैग की फॉर्मेशन करी, कश्मीर को आज़ाद करेंगे, इस तरह से कर करके ताकि इसके बाद तुम्हारी एक आइडेंटिटी बनेगी, तुमने जो है बहुत अच्छा काम किया इसके और ये करने के, तो इन सब चीज़ को दिखा के अपने आइडेंटिटी जैसे कंसेप्ट को सोसाइटी के आगे तुम्हारी आइडेंटिटी जो है वो रखी जाएगी, तुम एक जाने जाओगे, एक हीरो बनोगे, इस तरह का सपना दिखा के जो है आइडेंटिटी कंसेप्ट पे खेलते हुए जो है आफ्ताब को बेवकूफ बनाया। और इसी तरह से आफ्ताब ने ब्लाइंड फेथ करना शुरू कर दिया अकरम के ऊपर, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी कंसेप्ट को समझना है। और
और यूथ एज होता है ना, सिंपल टीनेजर्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी भी बोलती है इट्स एन अगेन एज के, उनके अंदर ये सोशल मैसेज, मॉरल मैसेज, इस तरह के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि उन्हें देश के लिए कुछ करना है, मर मिटना है, इस तरह का। बाकी के बॉम्ब किल नॉट ओनली द आफ्ताब नी मरा, बहुत सारे बच्चे भी बेचारे मर गए। द शॉक्स ऑल्सो द शॉक्स आर टू मच स्पेशली द सासिया विद बोथ द ब्रदर एंड आर द लवर अक्रम मीट्स वॉयल इन डेथ, दोनों ही चले गए। आफ्ताब बॉडी इज लिफ्टेड एंड बरीड एट द मिलिट्री मैन ड्रॉ देर ओन वेपन, और मिलिट्री के लोग जो है वो गन वन चला रहे थे। इसी पे ये वो लाइन आई है, दैट इज अगेन पेज नंबर 169 द ओरिजिनल नॉवल, ये लाइन निकल के आती है, नो देर विल बी नो गन्स, देर विल बी द नो गन्स एट माई सन्स फ्यूनरल, और ये टाइटल बन जाता है। पारू आनंद ने डेडिकेट किया आफ्टर वर्ड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ साजिया के माइंड सेट के बारे में, दैट आफ्टर द बर्थ ऑफ हर सन फ्रॉम अक्रम शी हैज नाउ रियलाइज द कॉस्ट ऑफ द ब्लाइंड फेथ इन द रॉन्ग आइडियोलॉजी। अब इनका बच्चा भी जन्म लेता है, इसमें साजिया और अक्रम से एक बच्चा होता है, अब उसको समझ आ गया कि इसको उस रास्ते पर नहीं लेके जाना, क्योंकि ब्लाइंड फेथ जो है वो रॉन्ग आइडियोलॉजी के ऊपर जो बहुत जल्दी आ जाता है, तो अब वो उसके कदम पर नहीं लेके जाएगी। हर सन हर द प्रेशियस सन दैट विल नो नॉट एवर होल्ड ए गन इन हिज टेंडर हैंड्स, हिज स्वीट विल नेवर वॉक द किलर्स पाथ एंड हर फादर्स पाथ नेवर, देयर विल बी द नो गन एट माई सन्स फ्यूनरल। बहुत ही प्यारी लाइन है, इस लाइन को आप डाल सकते हो। जैसे कि द पॉजिटिव साइड और पॉजिटिव सेंस और ऑप्टिमिस्टिक वे से एंड किया गया है, कि जहाँ पर दिखाया गया है कि बिल्कुल अब वो नहीं चाहती कि उसका जो बेटा है वो भी इस रास्ते पर जाए। यहाँ पे कुछ आंसर या और क्लोजिंग फेज में अपने आंसर राइटिंग के, चलो वो देखते हैं कौन कौन से लाइंस हैं। तो ये जो पूरा हमसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी कुछ है, अगर आपको लिखना हो तो ये आप स्टार्टिंग और एंडिंग में डाल सकते हो। दीपारो आनंद स्नो गन्स एट माई सन्स फ्यूनरल गिव्स अ विविड पिक्चर ऑफ द हार्श रियलिटी ऑफ मैनी यंगस्टर बींग ड्रॉन इन टू द डार्क डिगेंस ऑफ द ब्लड शेड एंड द विशियस सर्कल ऑफ द वायलेंस फ्रॉम विच There is no escape. बहुत ही खूबसूरत लाइन। The novel is an eye-opener for its portrayal painfully the angst and the anxieties, the false ideologies and the fantasies, the media influences and the peer pressure and the haunt a teenager's life. बहुत ही खूबसूरत लाइन है, किस तरह से लाइन्स लिखी हुई है। तो प्लीज़ इस पूरे स्लाइड को एज इट इज़ आप याद कर सकते हो, या फिर यहाँ से आइडिया ले सकते हो कि किस तरह से आपको स्टार्टिंग या एंड में लिखना है। इट्स ऑल्सो अबाउट द सेक्सुअलिटी, जेंडर, रेस, क्लास एंड द कल्चरल मोड्स। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। और ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट और इतना नहीं लिखना हो, पर हाँ कहानी में अगर क्वेश्चन जैसे आते हैं तो आपको उसमें कुछ सीन में ऐसा लिखना होता है, बिल्कुल एक शॉर्ट फॉर्म में नटशेल में डालना होता है समरी, तो उसके लिए ये है, तो आप इसको बिल्कुल नटशेल में डाल सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लाइन से लिखा गया, इतना अच्छी तरह से ये डिज़ाइंड है, इसी को आप एज एन समरी प्लेस कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में। दिस ऑल अबाउट दिस, ये वैसे खुद भी लिख सकते हो। The novel depicts the psychological changes in almost a teenager character. में आफ्ताब is depressed and feels if everything is finished for him and the morning becomes dark and the gloomy, उसको ऐसा फील करवाया गया। आफ्ताब का जो बेस्ट फ्रेंड था अंगद told him that about his neighbor, इसकी भी डेथ हो जाती है एंड में। ठीक है, लक्ष्मण का शुरू दैट हु रिसेंटली लिव्स द कश्मीर विद हिज फैमिली, तो उसका दोस्त जो है अंगद कहता है देखो हाँ यार हमारा जो दोस्त है लक्ष्मण कचरू उसकी फैमिली भी जो है वो यहाँ से चली गई। तो सोनू मामा इज़ नो मोर, फिर ये भी बताता है सोनू मामा ने रेस कार हैज़ बीन ब्लास्टेड बाय IED ग्रुप ने जो उनके कार को जो वो ब्लास्ट कर दिया। इट इज़ रियली हॉरिबल एंड स्केयरिंग फॉर द आफ्ताब, ही थिंक्स दैट हु कुड बिहाइंड ऑल ऑफ दिस, वो सबको सोचता है इसके पीछे है कौन एंड दे प्लान दिस टेररिस्ट एक्टिविटी। फिर उसे लगता है कि कोई नहीं देख रहा, किसी का ध्यान ही नहीं है कश्मीर में, तो चलो क्यों ना टेररिस्ट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। और अक्रम ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के उन्हें अपनी तरफ मोल्ड कर दिया। आफ्ताब नो दैट देयर आर द वेरियस ग्रुप इन द कश्मीर हु ऑफन ऑपरेट दिस टेररिस्ट एक्टिविटी, कई सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करने पर अगर कश्मीर को आज़ाद करवाना है, जो कि अक्रम ने एक वो फालतू में इन्हें वो बोल दिया कि हम जो करेंगे उससे पूरे कश्मीर को आज़ादी मिलेगी, उसे फुल्लू बनाया, पर वो अपना गेम सेट करना चाहते थे, पर इसे ऐसा लगा कि अगर ऐसा हो जाएगा तो इस तरह की चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये रखा गया है अपेरेंटली द फिरोज इज कम्प्लीटली ब्रोकन आफ्टर द सडन डिसअपीयरेंस ऑफ द अक्रम, फिरोज भी टूट गया था, ही इज कन्फ्यूज एंड सस्पिशियस अबाउट IED ने ब्लास्ट करवाएगा पक्का। ठीक है, एंड ही थिंक्स दैट अक्रम कुड नॉट बिहाइंड ऑल दिस, उन लगा अक्रम नहीं था इनके पीछे, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था कैंटोनमेंट एरिया में जो मैंने कहानी में बताया था, तो अक्रम को तो फिरोज को लग रहा था अक्रम ने नहीं करवाया पक्का, IED ग्रुप ने करवाया होगा। फिरोज इज श्योर दैट दीज एक्टिविटीज हैव बीन डन बाय द नोन पर्सन पक्का, जो ऐसे पर्सन है, और उसको ये भी डाउट था एंड हैज़ डाउट ऑन द जावेद और इमरान के ऊपर भी। फिरोज फील्स एक्सट्रीमली एंग्री बिकॉज
they have been trained under the guidance of him and Akram and now that they have just joined other group. उसे ऐसा लगता है कि आप बता जावेद और इमरान जो उन्होंने दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर लिया और उन्होंने ब्लास्ट करवा के अकरम को मरवाया हूँ. इस तरह से फिरोज के दिमाग जो है इनमें कुछ कुछ चल रहा था. इसी टाइम पे देखो तो मीनवाइल अगर हम मीनवाइल देखते हैं दैट आर्मी इन्वेस्टिगेट्स दैट हिलसाइड्स एरिया द मेजर सस्पेक्ट अफताब आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ द गार्डन एंड द ऑर्डर हिम टू सिट नेक्स्ट टू द मिलिटेंट फिरोज इन द मिलिट्री जीप. उन दोनों को बैठा लेते हैं. ही वांट्स टू फाइंड आउट द कनेक्शन बिटवीन देम एंड नोटिसेस दैट हाउ आफ्ताब होल्ड फिरोज शेकिंग हैंड. और फिर देखता है आफ्ताब किस तरह से फिरोज के शेकिंग हैंड को पकड़ता है. सडनली एवरीवन हियर द लाउड साउंड ऑफ द ब्लास्ट एंड लुक एट द स्माइलिंग फेस ऑफ द मेजर हु सेज दैट विद द प्राइड that we have done it. After all, the Aftab faints and what he regains his conscience. He finds himself at his this paper also reflects the love and the attention of the parents towards their children. But ये बकवास बाजी है. बस आपको ये ध्यान रखना है कि फिरोज के दिमाग में क्या चीज़ चल रही थी. भाई ये तो मूवी भी होगा नॉर्मली दैट पैथेटिक कंडीशन ऑफ द कश्मीरी हिंदूज. तो कश्मीरी हिंदू की वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैथेटिक कंडीशन थी. वही है दिस पेपर ऑल्सो शोज द क्रिटिकल एंड द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द कश्मीरी हिंदू. इट इज़ क्लियर When Aftab receives a letter from his friend Lakshman Kachru से जब उसे letter मिलता है who had to leave Kashmir with his family. He informs him about that a sudden decision to leave his home. तो बताता है हमें क्यों छोड़ना पड़ा कश्मीर since they are the कश्मीरी पंडित. क्यों कश्मीरी पंडित है इसको आर नो मोर अलाउड टू स्टे इन द कश्मीर. उसके पर मूवी भी आई थी तो ये शायद इस तरह के क्वेश्चन को वो टारगेट कर भी सकते हैं. दैट ही फर्दर इन्फॉर्म दैट Aftab दैट अकॉर्डिंग टू द मिलिटेंट दे आर द रिफ्यूजेज एंड प्लांट बॉम्ब so they do not have the right to live in the Kashmir. के शायद आफ्ताब को उसने बताया कि क्या पता किसी मिलिटेंट ने डाला हो ये बम ताकि वो नहीं चाहते कि कश्मीरी हिंदू जो है वो वहाँ रहे. The condition of the Kashmiri Hindus are not good और इस वजह से उन्हें छोड़ के जाना पड़ा. तो अकरम finally execute his plan with the साजिया. अकरम साजिया के साथ प्लान बनाता है और आफ्ताब के साथ प्लान बनाता है. बाकी ये सब वही कुछ है. तो ध्यान रखना है अबाउट द कंडीशन पैथेटिक कंडीशन ऑफ द कश्मीरी हिंदू. ये भी इसका एक वन ऑफ द फैक्ट है. ये देख लेना कि नॉर्मली क्या होता है. ठीक है बाकी जो मैंने आपको जो जो ट्रेसेस दिए हैं उसके थ्रू लिख के आना है. आपको यहाँ से काफ़ी मटेरियल मिल चुका होगा ऑलरेडी आपको ताकि आप अपने आंसर को अच्छा लिख सको. बाकी देखो टेररिज्म के ऊपर ही वो बेस क्वेश्चन को टारगेट करेंगे और आपके पास काफ़ी पॉइंट है ताकि आप उसमें ऐड कर सको. नेक्स्ट इज द एडोलेसेंस. एक फेज होती है लाइफ में जो मैंने बताया था जिसमें बहुत ज़्यादा यूथ जो है अंदर से भरा होता है कि वो देश के लिए कुछ करना चाहता है मर मिटना चाहता है. तो यही सब कुछ है. ये हार्मोन और प्यूबर्टी का असर हो सकता है. तो एडोलसेंस इज द ट्रांजिशनल फेज ऑफ द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन. ये पता ही होगा आपको एडोलसेंस द फ्रीक्वेंट हार्मोनल और प्यूबर्टी. उसके बाद कई हार्मोनिक और जो एडर्नल ग्लैंड जैसे जो ग्लैंड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं. इस वजह से जो है इस एज को एडोलसेंस बोला जाता है. तो इसमें ग्रो और टू मेच्योरिटी यानी मेच्योर बनने के लिए वो ज़्यादा कोशिश होने लग जाती है. एक तो शरीर ही बोल रहा है और उसके बाद सोशल कोऑर्डिनेशन के थ्रू और मेंटल इमोशनल सोशल फिजिकल मेच्योरिटी सारे तरह की मेच्योरिटी डिपेंड जो बढ़ने लग जाती है. तो इस वजह से जो है जो भी बंदा होता है वो अपनी एक सोशल आइडेंटिटी के लिए काम करना शुरू कर देता है. और इस टाइम पे जो उसका जो मूव हो जाता है वो ईड जैसे कंसेप्ट से वो ईगो पे चला जाता है. और ईगो अगर बिल्ट हो समाज क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा कौन से लेंस समाज ने होल्ड कर रखा है उसकी तरह वो चलता है. पर्सनैलिटी मेंटेन करने की कोशिश करेगा. पर कुछ जो है अपने ईगो से सुपर ईगो तक पहुँच जाते हैं. जैसे इसमें हमने आफ्ताब को देखा कि बेशक उससे कोई उम्मीद नहीं कर रहा था पर ऐसा लग रहा था कि कश्मीर को वही अकेला बचाएगा. एंड अर्ली एडोलसेंस बिगिंस विद द सेक्सुअल मेच्योरिटी लीगल मेच्योरिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट. ठीक है पर जो मैंने आपको यहाँ बताया इस तरह से आप जरूर लिख के आना. और यहीं पे बताना कि आपको कैसा लगा. और अगर कुछ और इसके रिगार्डिंग अगर चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट किया करो भाई. और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा तो प्लीज़ करो. ठीक है हार्डली 2 सेकेंड लगते हैं बस नीचे जाना और लाइक भी किया करो. ठीक है इसके बाद ये मेरा नंबर है. अगर आपको कोई स्पेशल अगर कोई वर्क अगर करवाना हो पर यार थोड़े पहले बताया करो 9-10 दिन तो कम से कम दिया करो क्योंकि ऑलरेडी जो इतनी लंबी लिस्ट आ रखी है बच्चों की कि ये करवाना है ये करवाना है ये करवाना है तो कम से कम 10 या 12 या 15 दिन पहले तो बताया करो. कई ऐसे बच्चे हैं 2 दिन पहले बता रहे हैं. अब 2 दिन पहले तो यार एकदम से ऐसे नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ऐसा नहीं है कि नॉर्मल समरी करवाना है क्योंकि डिटेल एनालिसिस है और ये एक तरह का डिस्कोर्स हो जाता है. तो बहुत ही वैसे एनालाइज करना होता है हर छोटे छोटे पॉइंट्स को भी निकालना पड़ता है इसीलिए. बाकी देखना चाहते हो मुझे तो फेसबुक आईडी अजीत जानंदी डाक आप देख सकते हो. बाकी ईमेल आईडी है अगर कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो ये मेल आईडी जो है इसको प्लीज़ नोट कर लेना.
गूगल भी कर सकते हो अगर आपको मेरे बारे में या मेरी किताब देखनी हो तो अजितेय जानन करके गूगल भी कर सकते हो आप। और फील योर विंग्स आप डाल के नॉर्मली जो है फील योर विंग्स आप नॉर्मली हमारे उसको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आपको सब अपडेट मिलेगा। बाकी थैंक यू, इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो यार, ठीक है, क्योंकि आगे अभी फिफ्थ है, सिक्स सेमेस्टर में और मेरी ज़रूरत पड़े भगवान करे, ठीक है, तो मैं ही आऊँ ताकि पढ़ा सकूँ और इंग्लिश ऑनर्स के इसके बाद मास्टर्स तक की भी, और इसके बाद जो भी आप आगे जिसके लिए तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए भी जो है मैं ही कवर करवाऊँगा, ठीक है, तो ओके, थैंक यू सभी को, स्पेशल थैंक्स।